शानदार बल्लेबाजी करने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाज जब पूरी तरह से लाचार नजर आए तो जडेजा ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए खेल के दूसरे दिन के समाप्त होने तक भी वह क्रीज पर नाबाद रहे, लेकिन जब मैदान पर मैच के बाद धोनी पहुंचे तो जडेजा ने उनके पैर छूकर धोनी को जो रिस्पेक्ट दी उसको लेकर अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी जडेजा के संस्कार से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम के लिहाज से पूरी तरह से पकड़ में है। टीम इंडिया ने 246 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को आउट किया और उसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी शानदार रही। पहले जायसवाल ने 80 रन की पारी खेली, उसके बाद राहुल ने 86 रन की और बखूबी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा 81 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी नाबाद है, उन्हें आउट करने की तमाम कोशिश है, अंग्रेजों की पूरी तरह से फेल कोई। आपको बता दे भारतीय टीम 400 रन के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी के बाद जब बीच मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे तो मैच के बाद रविंद्र जडेजा धोनी का आशीर्वाद लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जाते ही धोनी के पैर छुए और धोनी ने भी उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बता दे कि रविंद्र जडेजा उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि धोनी की वजह से ही वह क्रिकेट में काफी कुछ कर पाए हैं, इसका खुलासा वह खुद कर चुके हैं। लेकिन यह संस्कार जडेजा के देखकर अब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जुबान को ली। उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी वाकई में शानदार रही, लेकिन खेल अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह। धोनी के पैर छूकर उन्होंने यह बता दिया कि वह सनातन धर्म के कितने बड़े चाहने वालों में से एक है। अपने संस्कारों को हर जगह पर दिखाना ही दर्शाता है कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक है। धोनी भी अपने आप में एक महान हस्ती है, लेकिन जडेजा ने यह जो कुछ भी किया वास्तव में उसने मेरा भी दिल जीत लिया। जडेजा के संस्कार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मैं उन्हें देने का ऐलान करता हूँ। पीएम मोदी ने इस तरह से जडेजा पर धन वर्षा कर दी है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी रिवाबा बीजेपी पार्टी की विधायक है, इसलिए जडेजा के साथ भाजपा के संबंध काफी अच्छे है। वैसे आप सभी उनके संस्कार को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।